एवरीवन, लास्ट हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लग्स के बारे में। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व जो कि बायो रिएक्टर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये वॉल्व जो होते हैं वो प्लग के ही एक तरीके से पार्ट हैं, क्योंकि वॉल्व और प्लग आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो वॉल्व के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से वॉल्व होते हैं, टाइप्स क्या हैं, इनके बायो रिएक्टर में कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए वॉल्व क्या है, उनकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉल्व एक तरीके की मैकेनिकल डिवाइस हैं, वॉल्व एक तरीके की मैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो फ्लूड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई भी लिक्विड या गैसेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, तो कितना फ्लो करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, उसको एडजस्ट करने का काम वॉल्व की मदद से किया जाता है। ठीक है, और ये करते क्या हैं, देखिए जिनकी सारी वर्किंग को हमने एक तरीके से समराइज़ किया हुआ है। या तो ये किसी फ्लूड के फ्लो को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। वॉल्व अगर आप बंद कर दीजिए तो फ्लूड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, वॉल्व ओपन कर दीजिए तो फ्लूड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये फ्लूड के फ्लो को वेरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपके घरों में नल लगे होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आप जो पानी है वो कम ज़्यादा बहुत वॉल्व को पूरा ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी ज़ोर से आने लग जाएगा, स्पीड से आने लग जाएगा, पूरे फ्लो में आएगा। लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपको जितना फ्लो चाहिए होता है उतना ही आता है। ठीक है, तो फ्लूड की अमाउंट को वेरी करते हैं। कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लूड फ्लो, कुछ वॉल्व ऐसे होते हैं जो फ्लूड की डायरेक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे उसको अपर साइड ऊपर भेजना है या सीधे भेजना है तो भी अलग अलग तरीके के वॉल्व लगे होते हैं। अगर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वो फ्लूड का फ्लो अपर डायरेक्शन में हो जाएगा, कम प्रेशर लगेगा तो स्ट्रेट होगा। इसके अलावा देखिए रेगुलेटिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम फॉर फ्लूड फ्लो, जब भी किसी फ्लूड का फ्लो होना होता है तो उसके दौरान जो प्रेशर डेवलप होते हैं सिस्टम में उसको भी कंट्रोल करने का काम ये वॉल्व ही करते हैं, और ओवर प्रेशर को रिलीज़ करने का काम करते हैं या ओवर प्रेशर को रिलीव करने का काम करते हैं। तो ये वॉल्व और उनके फंक्शन को समराइज़ किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्व। वॉल्व को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक उनके फंक्शन के बेसिस पे, एक उनके मोशन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे मतलब वो क्या काम कर सकते हैं, ऑन ऑफ वॉल्व हो गए, चेक वॉल्व हो गए, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व हो गए। इसमें देखिए जो ऑन ऑफ वॉल्व होते हैं वो सिंपल क्या होते हैं, एक बार खोलिए तो वो ऑन हो जाएंगे, बंद कर दीजिए तो ऑफ हो जाएंगे। चेक वॉल्व क्या होते हैं, चेक वॉल्व जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो करवाते हैं। जैसे आपने हार्ट में जो वॉल्व सुने होंगे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा है, बाइकस्पिड वॉल्व लगा है, तो वो क्या करते हैं, हार्ट में जो वॉल्व लगे होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ही चेक करते हैं, ऐसा ना हो कि बैक डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाए ब्लड का। तो चेक वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो को चेक करते हैं, बैक डायरेक्शन में फ्लो को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। प्रेशर कंट्रोल वॉल्व क्या होते हैं, जो सिस्टम में डेवलप हो रहे हाई प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम देखेंगे डिटेल में। अगर देखिए अगर मोशन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इन्हीं वॉल्व्स को जो कि ऑन ऑफ वॉल्व, चेक वॉल्व और प्रेशर वॉल्व है, इनको हम लीनियर मोशन और रोटरी मोशन के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। तो जो लीनियर मोशन होता है वॉल्व का, उसमें आ जाते हैं गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व और डायफ्राम वॉल्व। मतलब ये लीनियर मोशन करते हैं, जैसा कि हमने प्लग में भी देखा था। तो ये लीनियर मोशन वाले वॉल्व जो होते हैं वो ये तीन तरीके के हमें पढ़ने हैं जो बायोप्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होते हैं। रोटरी मोशन में यूज़ होने वाले वॉल्व हैं प्लग वॉल्व, बॉल वॉल्व और बटरफ्लाई वॉल्व, क्योंकि इनका सर्कुलर मोशन होता है। ठीक, तो इस तरीके के वॉल्व जहाँ जहाँ यूज़ किए जाते हैं वो हम देखेंगे अभी, और इनकी फंक्शनिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए गेट वॉल्व के बारे में है। गेट वॉल्व की फंक्शनिंग देखिए आपको इसमें दिखाई पड़ेगी कि इसमें क्या होता है, सिंपली ऑन ऑफ टाइप का वॉल्व होता है। तो जब देखिए ये वॉल्व नीचे आ जा रहा है, ठीक, तो ये बंद हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है तो फ्लो यहाँ पे हो रहा है। ठीक, सॉरी, ठीक है, तो ये सिंपल ऑन ऑफ टाइप के वॉल्व होते हैं जो लीनियर मोशन के वॉल्व होते हैं। लीनियर मोशन का मतलब क्या है, ये अप एंड डाउन मोशन में ही कंट्रोल करते हैं फ्लूड के फ्लो को। कॉमनली यूज्ड फॉर लिक्विड फ्लो, ये लिक्विड के फ्लो के लिए मेनली यूज़ होते हैं, यहाँ गैसेस के लिए ये यूज़ नहीं होते हैं। एंड ये कंट्रोल भी नहीं कर पाते फ्लो को, मतलब या तो ये ऑन हो जाएंगे या तो ऑफ हो जाएंगे। कम अमाउंट में अगर फ्लूड को भेजना है, रेगुलेटेड अमाउंट में भेजना है, तो उसके लिए ये वॉल्व नहीं होते, या तो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे। ठीक है,
और ये क्या होते हैं, मतलब ओपन कंडीशन में इनमें वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा फ्लो इसमें हाई फ्लो होता है, तो वाइब्रेशन जो पाइपलाइन में देखने को मिलता है जब ये ऑन हो जाते हैं, सॉरी जब ये पार्शली ओपन होते हैं, मतलब पूरी तरीके से अगर इनको ओपन नहीं किया जाए तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लग जाएगा। पूरी तरह से ओपन कर देंगे तो फिर ही वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है, वो वाइब्रेशन नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। एडवांटेज में क्या है, ये सिंपल डिज़ाइन होती है इनकी, ठीक है, टाइट सीलिंग होती है और बोथ डायरेक्शन में ही फ्लो करवा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि चेक वॉल तो है नहीं, तो आप चाहे दाएं से बाएं करवा लें या बाएं से दाएं करवा लें, इसमें आपको जिस डायरेक्शन में फ्लो चाहिए होगा वो आसानी से हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि विस्कस फ्लूड के लिए नहीं होते हैं, अगर फ्लूड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, कोई गाढ़ा लिक्विड है तो उसके लिए यूज़ नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उससे क्या पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इनमें डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, लीकेज हो सकता है इसमें, और सीलिंग सरफेस जो इनकी लगी हुई है उसमें डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गेट वॉल्व के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वॉल्व है हमारा ग्लोब वॉल्व। ग्लोब वॉल्व की फंक्शनिंग भी आप देख सकते हैं, इसमें जैसे बनी हुई है ये रेगुलेट भी करता है फ्लूड के फ्लो को, लीनियर मोशन में ये भी काम करता है, लेकिन इसके पहले वाला जो हमने वॉल्व देखा था वो क्या होता है, वो कोई रेगुलेट नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता फ्लूड के फ्लो को, लेकिन इसमें फ्लूड के फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लिक्विड और स्ट्रीम दोनों के फ्लो के लिए यूज़ होता है और वाटर कूलिंग सिस्टम में मेनली ये लगा होता है। इसका जो आउटर जैकेट है वो ग्लोब की तरह दिखता है, आउटर जैकेट का मतलब जो इसकी बॉडी होती है उसके अंदर ये सारे सिस्टम फिट होते हैं, तो बाहर से देखने पे ये ग्लोब के जैसा दिखता है, इसलिए इसको ग्लोब वॉल्व कहते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड बेटर शट ऑफ देन गेट वॉल्व। गेट वॉल्व के कंपैरिजन में इसका जो ऑफ ऑन ऑफ सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर है, लीकेज इसमें कंट्रोल किया जा सकता है, फ्लूड के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, और इसका जो वॉल हेड है जो यहाँ बना हुआ है देखिए इस तरीके से, इसमें डैमेज हो सकता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फ्लो जब होता है तो इसमें वॉल्व का हेड जो होता है वो लॉस हो सकता है, ठीक। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा इसमें किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, इस वॉल्व को देख के कि फ्लूड एक बार में अंदर आ जा रहा है, ठीक है, फ्लूड एक बार में यहाँ अंदर आ जा रहा है, लेकिन जब तक ये वॉल्व ओपन नहीं हो रहा है फ्लूड को डायरेक्शन नहीं मिल रही है। आप इसको पार्शियली ओपन भी करके रख सकते हैं, फुल्ली ओपन भी करके रख सकते हैं, आपको जितने अमाउंट में लिक्विड को विदड्रॉ करना है या आउटलेट आपको जिस फ्लो मतलब प्रेशर से चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रू टाइप का यहाँ सिस्टम लगा होता है। तो ये आपकी ग्लोब वॉल्व हो गया। गेट और ग्लोब वॉल्व में डिफरेंस भी आपको पता चल गया कि गेट वॉल्व में कंट्रोल नहीं किया जा सकता फ्लूड के फ्लो को, ग्लोब वॉल्व में किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डायफ्राम वॉल। डायफ्राम वॉल में देखिए फिर वही चीज़ है, एक डायफ्राम जैसा सिस्टम इसमें लगा होता है, जैसा इसकी ब्लैक पट्टी आपको दिख रही होगी जो एडजस्टमेंट जिसको एडजस्ट किया जा रहा है, ये फ्लेक्सिबल होती है, डायफ्राम की तरह ही काम करती है ये, तो इस डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से वॉल बंद या खुल सकता है, जैसा आप इसकी फंक्शनिंग देख रहे होंगे फिगर में। तो ये भी क्या है, ऑन ऑफ और कंट्रोल वॉल्व है। इसमें डायफ्राम को थोड़ा सा अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो कम फ्लो हो जाएगा, पूरी तरीके से नीचे कर देंगे तो बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से ओपन कर देंगे तो ये ओपन खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ऑन ऑफ और कंट्रोल दोनों तरीके के वॉल्व होते हैं, ये इसमें भी वर्टिकल मोशन होता है, ये लीनियर मोशन होता है। डायफ्राम होता क्या, एक फ्लेक्सिबल प्रेशर रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होता है जिसके ऊपर या नीचे होने से फ्लूड के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो डायफ्राम वॉल्व होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करते, ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो ये जो फ्लेक्सिबल डायफ्राम बना हुआ है ये ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, या ये इस तरीके से लीकेज करने लग जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो गया, तो यही इनका डिसएडवांटेज हो गया। और ये इमीडिएट शट ऑफ नहीं होते, क्योंकि डायफ्राम को क्या फ्लेक्सिबल है तो उसको मूव होने में टाइम लगता है ऊपर नीचे, तो तुरंत ही अगर फ्लो आपको बंद करना है तो वो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे फ्लो इसमें क्या होगा, पहले कम होगा उसके बाद ही बंद होगा, मतलब ये क्या होता है पार्शियली पहले कम होगा और पूरी तरह से कम्प्लीटली कम होने के लिए टाइम लगेगा। एडवांटेज में क्या है, देखिए इजी मेंटेनेंस है इनका, लीकेज प्रूफ होते हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर सकते हैं फ्लूड के फ्लो को कि कम करना है कि ज़्यादा करना है। नेक्स्ट देखिए बॉल वॉल की फंक्शनिंग भी आप देख सकते हैं, इसमें बॉल जैसा एक लगा होता है, इसमें एक तरफ से ओपन होता है दूसरी तरफ से क्लोज होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल पे घूम जाते हैं और ये बंद हो जाते हैं, फिर 90 डिग्री एंगल पे घूमने पर ये फिर ओपन हो जाते हैं। तो ये भी सिंपल ऑन ऑफ टाइप के वॉल्व होते हैं जो रोटेशनल मोशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था लिक्विड गैस दोनों के लिए हो सकते हैं, कंट्रोल नहीं करते, बस केवल ओपन या क्लोज ही हो पाएंगे। बॉल शेप्ड के होते हैं इसलिए बॉल नाम इनका पड़ा, बॉल वॉल्व। एडवांटेज क्या है, सिंपल डिज़ाइन है,
आपको इसमें ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए सिंपली आपके घरों में भी लगा होगा किसी पाइप में, अगर फ्लो को जैसे आप टंकी का पानी बंद करना चाहें खोलना चाहें तो ये घरों में भी यूज़ होना, मतलब ये घरों में भी यूज़ होता है। जैसे आपकी हमेशा वाटर की लीकेज वीकेज की प्रॉब्लम है अगर, तो पूरी तरह से अगर पानी बंद कर दिया जाए तो लीकेज अगर हो भी रहा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके एडवांटेज देखिए क्या है, लीक प्रूफ, लो मेंटेनेंस, इजी टू ऑपरेट, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, विस्कस फ्लूइड के लिए यूज़ नहीं हो सकता, स्लरीज अगर हैं पार्शियली, अगर पार्टिकुलेट मैटर हैं तो भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो फ्लूइड के जो भी फ्लो में रुकावटें पैदा करेंगे। तो वॉल वॉल्व भी सिंपल तरीके का अरेंजमेंट वाला वॉल्व हो गया, सेम इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है नेक्स्ट वॉल्व जो कि प्लग वॉल्व कहलाता है। प्लग वॉल्व में भी शेप थोड़ा सा अलग होता है, बॉल की शेप में नहीं होता, ये प्लग का शेप अलग थोड़ा सा होता है बॉल से अलग, लेकिन इसकी फंक्शनिंग बिल्कुल वैसी ही होती है। ये भी 90 डिग्री पे रोटेट करके फ्लूइड के फ्लो को स्टॉप कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑन ऑफ या कंट्रोल टाइप के वॉल्व हैं, और वॉल्व क्या था, केवल ऑन ऑफ वॉल्व था। ये प्लग वॉल्व थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं फ्लूइड के फ्लो को, रोटेशनल मोशन पे बेस होते हैं। ये वर्किंग आपकी सिमिलर बता ही दी मैंने कि बॉल टाइप के ही होती है। ये लिक्विड गैस और स्लरीज दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि विस्कस फ्लूइड के लिए, और अगर पार्टिकुलेट मैटर हैं आपके सिस्टम में तो ये वाले यूज़ किए जा सकते हैं, बॉल वॉल्व यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। इसकी जो डिस्क का शेप्ड है वो प्लग शेप्ड होते हैं, इसलिए इनका नाम प्लग वॉल्व है। बॉल वॉल्व बॉल के शेप का होता है इसलिए बॉल वॉल्व नाम है उसका। एडवांटेज देखिए, इजी टू ऑपरेट, लीकेज प्रूफ, हैंडल स्लरीज एंड सॉलिड मैटर। और डिसएडवांटेज में देख लीजिए, कॉस्टली देन बॉल वॉल्व, क्योंकि उससे ज़्यादा ये एडवांटेज भी तो दे रहे हैं इसलिए कॉस्टली भी हैं, हाई टॉर्क और हाई मेंटेनेंस भी इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये प्लग वॉल्व हो गया। प्लग वॉल्व के बाद नेक्स्ट वॉल्व है हमारा बटरफ्लाई वॉल्व बटरफ्लाई फ्लैप की तरह, मतलब इसमें लगा होता है, ये देखिए फ्लैप लगा है, ये 90 डिग्री पे भी रोटेट होकर के ओपन हो जाता है और 90 डिग्री पे ही रोटेट होकर ये क्लोज भी कर देता है सिस्टम को। तो ये ऑन ऑफ और कंट्रोल टाइप के वॉल्व होते हैं, रोटेशनल मोशन पे बेस्ड होते हैं। लार्ज फ्लो ऑफ लिक्विड की देखिए, पूरा लार्ज फ्लो हो रहा है इसमें, अगर ये 90 डिग्री पे घूम जा रहा है तो पूरी प्रेशर के साथ जो वाटर या फ्लूड होगा वो रिलीज हो जाएगा। ये भी स्लरीज के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, इसमें बटरफ्लाई शेप की डिस्क होती है इसलिए इसको बटरफ्लाई नाम देते हैं। तो इसमें फंक्शनिंग आपको क्लियर हो रही होगी इसको डायग्राम को देखकर। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वॉल्व है, चेक वॉल्व। चेक वॉल्व जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए होते हैं, बैक डायरेक्शनल फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेंगे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्न वॉल्व भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट बैक फ्लो और यूनिडायरेक्शनल वॉल्व, ये बैक फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो यूनिडायरेक्शनल वॉल्व है, जैसे हमारे हार्ट में वॉल्व इंस्टॉल होते हैं उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होते हैं। ये ऑटोमेटिक होते हैं, इनको आप बंद खोल नहीं कर सकते, इसमें अपने आप ही जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्व खुल जाएंगी, प्रेशर कम होगा तो वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। इसमें डिस्क लाइक सिस्टम लगा होता है, जैसे मान लीजिए इसमें ये फ्लैप लगा हुआ है, ये जब प्रेशर से यहाँ से लिक्विड आएगा तो ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो ये फ्लूड सामने से निकल जाएगा, फिर फ्लूड का जब प्रेशर कम होगा तो ये क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक यूनिडायरेक्शन में ही फ्लो करवाएगा, अगर आप फ्लूड इधर से भेजेंगे तो ये खुलेगा ही नहीं क्योंकि इसमें एक ही तरफ से वो लगा हुआ है इसका एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये चेक वॉल्व इसीलिए है क्योंकि यूनिडायरेक्शन फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कुकर में भी लगा होता है, एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, वो क्या करते हैं अंदर, जैसे कि हम लोग जब कुकर में कोई भी चीज़ को बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, तो अंदर गैस या स्टीम एक्सेस में बनने लग जाती है तो उसको रिलीज़ करवाना होता है। अगर स्टीम रिलीज़ नहीं होगी टाइम टू टाइम तो क्या होगा, कुकर आपका फट सकता है। तो वो सेफ्टी वॉल्व लगे होते हैं जो टाइम टू टाइम आपके प्रेशर को रिलीज़ करते हैं या स्टीम को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो अंदर हाई प्रेशर को कॉज कर रहे होते हैं। उसी तरीके से सेफ्टी वॉल्व जो होते हैं उनका भी प्रिंसिपल लगभग वैसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये बंद कंडीशन में है, ये सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है तो ये बंद कंडीशन में है, एक सेकेंड, ये देखिए ये बंद कंडीशन में है, प्रोसेस चल रहा है, अंदर आपका गैस, अंदर आपकी गैस बनी या मतलब स्टीम बनी तो अंदर का वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाने से ये जो देखिए स्प्रिंग बेस्ड सिस्टम ये ऊपर हो जाता है और प्रेशर इधर से रिलीज़ हो जाता है और फिर से ये बंद हो जाता है। तो ये चेक करने के लिए लगे होते हैं सेफ्टी वॉल्व की, बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर सिस्टम में डेवलप हो रहा है या बहुत ज़्यादा गैसेज या स्टीम जो प्रेशर बना रही हैं अगर वो ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट हो जा रही हैं तो उसको रिलीज़ किया जाए ताकि सिस्टम पे असर ना पड़े, सिस्टम पे ऐसा ना हो कि आपका जो भी बायोरिएक्टर वो फट गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये सेफ्टी वॉल्व तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाने, इसको हम प्रेशर रिलीफ वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये वॉल्व हो गए आपके। इतने ही टाइप के वॉल्व जो हैं वो बायोरिएक्टर सिस्टम में यूज़ होते हैं।
थैंक यू। इसके बाद हम आपके लिए कुछ इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये 2D EGR इलेक्ट्रोफोरेसिस की सारी वीडियोस थोड़ा सा डिस्कस करके फिर बायोरिएक्टर्स पे आएंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, नेक्स्ट वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।